क्या होता है कि जो बीमारी है वो स्थूल शरीर पर नहीं आती है, पहले वो आएगी सबसे सूक्ष्म शरीर जो है, जो आनंदमय कोश है, जो आवर फिफ्थ बॉडी इज, इट इज प्योरेस्ट ऑफ द प्योर पॉजिटिव एनर्जी, सो देर इज नो नेगेटिव एनर्जी। देन इज द फोर्थ बॉडी विच इज कॉल्ड द कॉजल बॉडी, इंटेलेक्ट बॉडी, और इन अवर संस्कृत वी कॉल इट ज्ञानमय कोशा। अभी जो भी संस्कार हैं, जो भी हमारे संचित कर्म हैं, वो उस ज्ञानमय कोश में वो इकट्ठे होते हैं, और वही संचित कर्म जब जागृत होता है, प्रारब्ध भोग बनता है, तो उसके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो जागृत हो जाती है, एंड दैट इज द बिगनिंग ऑफ द डिजीज। वो डिजीज जो है वो उस शरीर में पहले आती है। एंड डॉक्टर साहब, इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना इज द वॉट एवर इज योर फिजिकल बॉडी, द सिमिलर बॉडी इज द प्राणमय कोशा, द एथरिक बॉडी इज वेरी सिमिलर टू दैट। इट इज सटल, बट इफ यू आस्क द सूक्ष्म एनर्जी, इट इज द ग्रॉसेस्ट। देन द थर्ड बॉडी इज इवन लिटिल सिमिलर बट मोर ऑफ एनर्जी, दैट इज द मनोमय कोशा। और उसके बाद जो है ये जो ज्ञानमय कोशा, ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, वहां से बीमारी मनोमय कोश में आई, दीज आर द साइकिक इंप्रेशंस, और वहां से वो इंफॉर्मेशन इट ट्रेवल्स टू द प्राणमय कोशा, और 3-4 महीने के बाद वो बीमारी वहां से इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द फिजिकल बॉडी। इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू द फिजिकल बॉडी, दैट डज नॉट मीन कि जो प्राणमय कोशा उसमें बीमारी खत्म हो गई, बीमारी इस्टेब्लिश हो गई, पहले फोर्थ बॉडी में इस्टेब्लिश हुई द नेगेटिव एनर्जी, फिर थर्ड बॉडी में इस्टेब्लिश हुई, फिर उसके बाद सेकेंड बॉडी में इस्टेब्लिश हो गई, और फिर वो फिजिकल बॉडी में आ गई। अब साइंस सेज कि भाई मेडिकल उसमें इसका जो किडनी है खराब हो गया है, फिजिकल किडनी एक हटा दो, दूसरी लगा दो। जब उसी की किडनी थी स्वस्थ, जब उस व्यक्ति की बगैर ऑपरेशन, बिफोर ऑपरेशन उसकी जो किडनी वहां पर थी, वो क्यों बीमार हुई, उसने क्यों काम करना बंद कर दिया, Why the failure took place in that kidney? क्योंकि जो बीमारी थी वो तीनों हायर सूक्ष्म शरीरों में आ गई थी, और वहां से वो एनर्जी इज, बिकॉज ऑल दीज फाइव बॉडीज दे आर इन अलाइनमेंट, एंड द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम अप टू डाउन। और ये हमारा भोग शरीर है, जो स्थूल शरीर है ये भोग शरीर है। इसीलिए मैं बोलता हूँ शिव योग में एक सेकंड लगता है बीमारी को गायब करने में, आपको ज्ञान तो होना चाहिए वहां तक का, बिकॉज यू कैन जस्ट चेंज द लाइट, इट इज फ्रॉम द ब्लैक एनर्जी टू द लाइट, इट टेक्स फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड, बट इट टेक्स मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन योर बिलीफ।